दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि डोंकी पालने से कोई मालामाल भी हो सकता है? या फिर क्या आप जानते हैं कि जलेबी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है और वो कहां से आई थी? या फिर इंसान के फेस में डिंपल क्यों पड़ता है? अगर नहीं जानते तो जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कई जगह पर आपने नोटिस किया होगा कि जब कोई छींकता है या फिर स्नीज करता है तो लोग बोलते हैं ब्लेस यू। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? एक्चुअली छींकते वक्त कुछ मिली सेकेंड्स के लिए आपकी हार्ट बीट रुक जाती है, इसीलिए ऐसा कहते हैं। किसी शरबत या फिर ड्रिंक में अगर आइस क्यूब्स डाल दी जाए तो उसे पीने का अलग ही मजा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कोल्ड वाटर के मुकाबले हॉट वाटर से आइस जल्दी बन जाता है। अगली बार इस ट्रिक को ट्राई जरूर करना। दोस्तों, इस दुनिया में न जाने कितने सारे प्राणी हैं और उनके अलग अलग खासियत भी है, लेकिन क्या आप यकीन करोगे कि एक ऐसा भी प्राणी है जिसको भूख लगने पर वो अपनी ही बॉडी खाने लग जाता है? जी हाँ दोस्तों, ऑक्टोपस एक ऐसा प्राणी है जिसे भूख लगने पर वो अपने ही टेंटिकल्स खाने लग जाता है। कुछ लोग इसे एक बीमारी मानते हैं, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि वो ऐसा क्यों करता है। दोस्तों, मार्केट से आप जो सेब खरीदते हो क्या वो फ्रेश होता है? ये सवाल आपके मन में भी आता होगा, राइट? इसीलिए जवाब आप खुद ही ढूंढ सकते हो। एक बोल में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें सेब को डाल दो। अगर वो डूब जाता है तो मतलब कि वो थोड़ा पुराना हो चुका है, और अगर फ्लोट करता है तो मतलब कि वो फ्रेश है, क्योंकि फ्रेश एप्पल में 20% एयर होती है। दोस्तों, शायद आप में से काफी लोगों को कार ड्राइविंग आती होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं जिस फिजिक्स में ये कार चलती है उसके मास्टरमाइंड अल्बर्ट आइंस्टाइन को खुद को कार ड्राइविंग नहीं आती थी? उस जमाने में कार ड्राइविंग कोई इजी बात तो थी नहीं, इसीलिए उन्होंने कार ड्राइविंग सीखी ही नहीं और उन्हें वॉकिंग करके जाना ही ज्यादा पसंद था। एक हेल्दी कन्वर्सेशन में आप मानोगे नहीं, लेकिन आपके अपोजिट पर्सन अगर आपसे 60% आई कांटेक्ट रखता है तो मतलब कि वो बोर हो रहा है, और अगर 80% आई कांटेक्ट रखता है तो मतलब कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और अगर 100% आई कांटेक्ट रखता है तो मतलब वो आपको धोखा दे रहा है। दोस्तों, ये बात तो आपने हजारों दफा सुना होगा कि दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती है। कुछ हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि इसमें विटामिन डी होता है, लेकिन एक वुमेन के लिए हड्डियां मजबूत होने के बजाय कमजोर भी हो सकती है दूध पीने से। दोस्तों, किसी के गालों में डिंपल होना उसके लिए खूबसूरती की निशानी होती है, और शायद ही कोई ऐसा होगा कि जिसे वो पसंद ना हो। माना कि डिंपल को खूबसूरती का साइन माना जाता है, लेकिन ये एक तरह की प्रॉब्लम है। दरअसल फेस की मसल जब किसी वजह से छोटी रह जाती है, तब स्माइल करते वक्त चेहरे को थोड़ा खींचना पड़ता है, और इसी वजह से गालों में डिंपल पड़ता है, ताकि उस कमी को पूरा किया जा सके। जब बेबी माँ के पेट में रहता है, तब कुछ वजह से सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू या फिर स्किन की लेयर्स बनते समय इन लेयर्स में कुछ बदलाव के कारण ही डिंपल पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों में एज बढ़ने के साथ साथ मसल इंक्रीज होने की वजह से वो गायब भी हो जाता है। दोस्तों, जलेबियों का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जलेबी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? अगर नहीं जानते तो सुनिए। एक्चुअली जलेबी को इंग्लिश में राउंडर स्वीट या फिर फनल केक कहा जाता है। हालांकि कुछ लोग इसे स्वीट मीट और सिरप फिलिंग रिंग जैसे वर्ड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। आपको सुनकर थोड़ा दुख होगा कि जलेबी एक्चुअल में इंडिया की है ही नहीं, लेकिन कहां से आई है ये भी अभी तक किसी को पता नहीं चला। लेकिन ये इंडिया में 500 साल पहले आई थी। संस्कृत में इसे कुंडलिका कहा जाता है, और वही कुछ लोग इसे जलबल्लिका भी कहते हैं, और जलबल्लिका से ही जलेबी नाम मिला है इसे। और तो और, अफगानिस्तान में मछली के साथ जलेबी खाई जाती है, और वो भी बड़े शौक से, है ना, कितना अजीब। दोस्तों, ये बात सुनकर आपको झटका जरूर लगेगा कि दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव और बेहतरीन पनीर काऊ या फिर बफलो के दूध से नहीं, बल्कि ऐसे प्राणी के दूध से बनाया जाता है जिसे हमारे यहाँ कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव पनीर सर्बिया के एक
फार्म हाउस में बनाया जाता है, जिसकी इंडियन करेंसी में कीमत है 78,000 पर केजी। रिसर्चर्स ये भी दावा करते हैं कि सर्बिया के इन गधों के दूधों में मदर मिल्क जैसी प्रॉपर्टीज होती है, और ये भी कहा जाता है कि एक न्यूबॉर्न बेबी को ये दूध पहले से ही दिया जा सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर तो बनता है, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।